हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है बच्चों, जैसा कि नाम से ये क्लियर है बच्चों, फॉरेस्ट सॉइल, तो ये सॉइल जो है ना कहीं फॉरेस्ट वाला एरिया जो होगा, जहाँ पर फॉरेस्ट होगा वहीं पे ये डेवलप होगा और वहीं पे ये मिलता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिन, ठीक है, तो हिली एंड माउंटेनियस एरियाज में ये डेवलप होगा बच्चों। ठीक है, वहीं पर इसके बनने के कंडीशन जो है वो बनेंगे, जहाँ जिसकी वजह से ये वहाँ पर इस तरह का सॉइल बनेगा। ठीक है, और कलर इसका कैसा होगा बच्चों? डार्क। देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला सॉइल है, ठीक है, ये देखिए ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर इस पर काफ़ी डेवलप रहता है क्योंकि फॉरेस्ट है। ठीक है, तो इससे जो पत्ते गिरते हैं, ठीक है, जो भी इनके जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो गिरेंगे, तो वो सब यहीं पर कलेक्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमस कंटेंट है बच्चों यहाँ पर, वो ज़्यादा इस सॉइल के ऊपर लेवल, जो ऊपरी लेवल है, ठीक है, अपर जो इसका होराइजन होता है, ठीक है, उस पर ज़्यादा डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, मोटी परत इसकी होती है ह्यूमस कंटेंट की। ठीक है, और वो किस इस तरीके से आपको सीधा दिखेगा, है ना, ये ऊपर में ह्यूमस कंटेंट देखिए, और थोड़ा डार्क होता है ये, देखिए थोड़ा डार्क आपको दिख रहा होगा। ह्यूमस कंटेंट वेरी हाई, और ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट के कारण ही इसका पीएच क्या हो जाता है बच्चों? एसिडिक हो जाता है। ठीक है, पीएच जो है एक इंडिकेटर है ये मापने का कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या एल्कलाइन है। ठीक है, तो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर के कारण ये क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन तो ज़्यादातर हिमालयन स्टेट्स में है बच्चों, उसके बाद वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में, मतलब जहाँ भी हिली एरिया है या माउंटेनस एरियाज़ हैं वहाँ पर ये मिलते हैं। फर्टिलिटी काफ़ी लो होती है, ठीक है, क्योंकि एसिडिक हो जाता है तो उसमें प्लांट, उसकी वजह से फर्टिलिटी लो होती है। क्रॉप्स क्या क्या मिल सकते हैं? तो प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ठीक है, और थोड़े बहुत जैसे कि हिली एरियाज में, जैसे कि जे एन के में ऑर्चर्ड्स भी लग सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एप्पल ऑर्चर्ड्स, अखरोट, ये सब तो अकॉर्डिंग टू लोकल कंडीशन, ठीक है, थोड़े थोड़े वेरी करते हैं, बट टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सब होते हैं फॉरेस्ट सॉइल में। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी लो है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि टेरेन जो है वो डिफ़िकल्ट है, हिली एरिया है, माउंटेनस एरिया है, और यहाँ पे जो सॉइल ये है फॉरेस्ट सॉइल, वो उतना ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, जो फूड प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ लो। देखते हैं कहाँ कहाँ पर है बच्चों, ये मैप पर देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए पूरा का पूरा ये जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, ये है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। नॉर्थ ईस्ट में ये सिक्किम है यहाँ पर, और इधर अरुणाचल में भी थोड़ा है। ठीक है, ये मेन एरियाज हैं हमारे किसके? फॉरेस्ट सॉइल के। ठीक है बच्चों, मैप पर, ठीक है, इंडिया में तो मैप पर भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर है, ये ध्यान रखना है मैप वर्क में। ठीक है, मैप वर्क में आ सकता है लोकेट करने के लिए, तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो इसी मैप को हम रेफरेंस लेंगे, इसमें जे एन के है, लद्दाख है, यहाँ पर हिमाचल होगा यहाँ, ठीक है, ये उत्तराखंड है, ठीक है, ये हमारा सिक्किम है, और ये अरुणाचल का कुछ पार्ट है। तो ठीक है बच्चों, तो सॉइल हमारा हो गया, सॉइल टाइप्स हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है।